दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक महात्मा जी का निवास था जो भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे महात्मा जी संध्या वंदन के उपरांत कुंज वन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में महात्मा जी जब एक बट वृक्ष के नीचे से होकर निकले तो उनकी जटा उस बट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा जी भी तो महात्मा जी हैं। वे आसन जमाकर वहीं बैठ गए और वह बोलने लगे कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और बैठे बैठे ही अपना प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन बीत गए महात्मा जी को बैठे हुए। तब एक सांवला सलोना ग्वालिया महात्मा जी के पास आया जो 5-7 वर्ष का रहा होगा। वो बालक ब्रज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई है, अरे मैं सुलझा दूं का? और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम ग्वालिया? ग्वालिया ने कहा, अरे हमारो यही गांव है महाराज, गैया चरा रहूं तो मैंने देखी महात्मा जी की जटा उलझ गई है, मैंने सोची ऐसे करूं मैं जाई के सुलझा दूं। महात्मा जी ने बोला, ना ना ना, दूर हट जा ग्वालिया। महात्मा जी ने तब कहा, जिसने जटा उलझाई है वो आएगा तो ठीक, नहीं तो इधर ही बस गोविंदाय नमो नमः कहकर अपना प्राण त्याग दूंगा। तब ग्वालिया जी महात्मा से बोले, अरे महाराज आप तो अपने जान देने के पीछे पड़ गए हैं, आप हमको नाम बता दीजिए, हम उन्हें बुला देंगे। महात्मा जी ने बोला, ना जिसने उलझाई है वो अपने आप आ जाएगा, तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक बालक महात्मा जी को समझाता रहा, परंतु जब महात्मा जी नहीं माने तो उसी क्षण ग्वालिया के भेष में छुपाकर ग्वालिया में से साक्षात मुरली बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। सावरिया सरकार बोले, महात्मन मैंने जटा उलझाई है तो लो आ गया मैं। और जैसे ही सावरिया जी जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? महात्मा जी की वचन सुनकर सावरिया जी सोच में पड़ गए, अरे कृष्ण भी 10-5 होते हैं क्या? महात्मा जी फिर बोले, बताओ भी तुम कौन से कृष्ण हो? सावरिया जी ने महात्मा से बोला, कौन से कृष्ण हो मतलब? महात्मा जी देखो भाई, कृष्ण भी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं देवकी नंदन कृष्ण, एक होते हैं यशोदा नंदन कृष्ण, एक होते हैं द्वारकाधीश कृष्ण, एक होते हैं नित्य निकुंज विहारी कृष्ण। सावरिया जी ने कहा, आपको कौन सा चाहिए? महात्मा जी बोले, मैं तो नित्य निकुंज विहारी कृष्ण का परमोपासक हूँ। तब सावरिया जी ने कहा, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूं आपकी जटा? और जैसे ही जटा सुलझाने सावरिया सरकार आगे बढ़े तो महात्मा जी बोल उठे, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, बड़े आए नित्य निकुंज विहारी कृष्ण। अरे हमारे नित्य निकुंज विहारी कृष्ण तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और तुम तो अकेले सोटा से खड़े हो। महात्मा जी के इतना कहते ही सावरिया जी के कंधे पर श्री जी का मुख दिखाई दिया, आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी राजेश्वरी श्री हरिदासेश्वरी स्वामिनी श्री राधिका रानी जी अपने प्रीतम को गलबहियां दिए महात्मा जी के सामने प्रकट हो गईं और बोली, बाबा मैं अलग हूँ क्या? अरे मैं ही तो कृष्ण हूँ और ये कृष्ण ही तो राधा है, हम दोनों अलग थोड़े हैं, हम दोनों एक हैं। अब तो युगल स्वरूप का दर्शन पाकर महात्मा जी आनंद विभोर हो उठे, उनकी आँखों से अश्रु धारा बहने लगी। अब जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो युगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो, मुझे नित्य लीला में प्रवेश देकर मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। महात्मा जी ने ऐसी प्रार्थना करी और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। ये भाव राज्य की लीला है, भगवान श्री राधा माधव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक प्राण दो देह हैं। जो मनुष्य अपनी अज्ञात बस मूढ़ता बस या अहंकार बस किशोरी राधा कृष्ण दोनों में भेद समझते हैं, वे संसार के घोर माया जाल में घिर जाते हैं, उनका पतन होना निश्चित है, वे भक्ति के परम पद को कभी प्राप्त नहीं करते। युगल चरणों में प्रेम भाव रखते हुए किशोरी राधा कृष्ण एवं समस्त भक्त वृंद को दास का दंडवत प्रणाम।
भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा सदैव हम सभी पर बरसती रहे। तो फ्रेंड्स एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।